हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोरल ड्रॉ 2022 में ईमेल वेरिफिकेशन एंड लॉगिन विंडो आता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। यदि आप इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से आपके केस में प्रॉब्लम आता होगा। यदि आपके केस में भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। इसको फिक्स करने बहुत सारे तरीका है, इनमें से आपको कुछ तरीका बताते हैं कैसे आपको फिक्स करना है। आपको क्या करना है, ये फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी टेलीग्राम पे वो फाइल मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप वहाँ से वो फाइल डाउनलोड नहीं कर पाते, कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा उस फाइल का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके ये फाइल आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो आएगा, तो आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये DLL फाइल दिख जाएगा। आपको क्या करना है, इस DLL फाइल को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिस PC दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस PC दिख जाएगा या माई कंप्यूटर दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा ड्राइव दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सी ड्राइव के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोग्राम फाइल, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कोरल, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा PSMULT, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो आएगा, यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख जाएगा V1, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला DLL, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये वाला DLL दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे रीनेम दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा, या नहीं तो F2 दबा दीजिएगा तो भी यहाँ पे रीनेम करने के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको रीनेम कर देना है, या नहीं तो यहाँ पे आप इस तरह से कुछ भी लगा दीजिएगा, या नहीं तो इसको रीनेम कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, इस तरह से आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद ये विंडो आएगा, इस तरह से आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ पे डबल क्लिक करके आप ओपन करके चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था यह प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, दूसरा तरीका करना है। दूसरा तरीका के लिए आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है रजिस्ट्री एडिटर। रजिस्ट्री एडिटर टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा रजिस्ट्री एडिटर, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका आपको बैकअप लेके रख लेना है, ताकि बाद में यदि आपसे कुछ गलत भी हो जाता है तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक्सपोर्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी फाइल सेव करना चाहते हो वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आप फाइल नाम डालना चाहते हो वो नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद एक्सपोर्ट रेंज के नीचे यहाँ पे ऑल होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। अब जब कभी भी आपके केस में कुछ गलत हो जाता है आपसे, तो आपको क्या करना है, इसको रिस्टोर कर देना है। रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्ट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आप सेव किए होंगे वहाँ पे इस तरह से आपको दिख जाएगा, उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद ये रिस्टोर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा लोकल मशीन, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कोरल, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कोरल ड्रॉ, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा 24.0, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा IPM, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पे राइट साइड में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सो EULA, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा मॉडिफाई,
इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, यानी तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो भी इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से इस विंडो को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे वन वैल्यू टैप है, तो आपको क्या करना है इसको यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जीरो टैप कर देना है, यहाँ पे आपको जीरो टैप करना है, वो नहीं टैप करना है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल जीरो टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे यही सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके इसको आपको ओपन करके चेक कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको आप यूज भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो इस तरह से आपके केस में भी यह प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपके केस में यह प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है तीसरा तरीका ट्राई करना है। इस केस में आपको क्या करना है यहाँ पे आपको दिख जाएगा दिस पीसी, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा सी ड्राइव, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूजर का फोल्डर, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में कौन सा यूजर नेम है। यदि यूजर नेम पता नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप यूजर नेम चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा वहाँ पे जो नेम होगा ये यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, तो उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको डैश डैश दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब यदि आपके केस में यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट होगा तो आपको क्या करना है ये वाला आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यानी शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना भी हिडन फोल्डर होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐप डाटा, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रोमिंग, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कोरल, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैसेज का फोल्डर, तो आपको क्या करना है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है शिफ्ट प्लस डिलीट, इस तरह से परमानेंट इस फोल्डर को डिलीट कर देना है। इस तरह से यहाँ पे आप प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद इस तरह से विंडो आएगा, तो आपको क्या करना है डिलीट के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे ओपन करके चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था यह प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।